आज की इस वीडियो में आपको पांच ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप ग्रैंड आरपी में पैसे कमा सकते हो। अब ये बेसिक तरीके हैं, सो प्रो प्लेयर्स ऑलरेडी जानते होंगे क्योंकि ये वीडियो बिगनर्स को ध्यान में रख के बना रहा हूँ मैं। एंड ये वीडियोस बनाने का मकसद ये दिखाना नहीं है कि मेरे को गेम आपसे बेटर आता है। मैं कोई 30 मार्का नहीं हूं, बस ग्रैंड आरपी के इंटरनेट पे हिंदी ट्यूटोरियल्स बहुत कम है, इसलिए जो मुझे आता है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। अब ये जो तरीके हैं पैसे कमाने के, ये कम्प्लीटली पैसिव हैं, जिसका मतलब ये है कि आपको इसके लिए कोई भी जॉब करने की जरूरत नहीं है और इससे आप रोज के 1.8 लाख एंड इवन वीक के 1.5 मिलियन डॉलर्स भी कमा सकते हो विदाउट डूइंग एनी जॉब। तो वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, इसको एंड तक जरूर देखना। लाइक का टारगेट 1000 लाइक्स का है, वो आप करवा दोगे। एंड डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दिए गए लिंक से ग्रैंड आरपी खेलना आज ही स्टार्ट करो। अगर आपने अभी तक नहीं खेला है तो फ्री है रजिस्टर करना। सबसे पहला तरीका है मैक्लेरन केसेस। बेसिकली जब भी आप गेम खेलते हो तो आपको हर घंटे एक ग्रैंड पॉइंट मिलता है। इन ग्रैंड पॉइंट को कलेक्ट करके आप बहुत चीजें खरीद सकते हो ग्रैंड पॉइंट स्टोर में, जिनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है मैक्लेरन केसेस जो कि 5 ग्रैंड पॉइंट्स के आते हैं। खरीदने के बाद ये पोस्ट ऑफिस पे डिलीवर हो जाते हैं जो कि मैप में 2 जगहों पर है, वहां जाओ और कलेक्ट कर लो। अगर आपके पास ऐसे 100-200 मैक्लेरन केसेस है ना, तो आप इनको ओपन करो एंड प्रोबेबली आपको एक मैक्लेरन कार मिल ही जाएगी। बट उतना पेशेंस सब पे होता नहीं है और इसीलिए आप मैक्लेरन केसेस को सेल भी कर सकते हो। ऐसे भी अगर आप बिगनर हो तो सेल ही करो केसेस, क्योंकि आपको पैसों की जरूरत होगी प्रोबेबली, जिसके लिए सिंपल एक ऐड डालो कि सेलिंग मैक्लेरन केसेस, या फिर किसी और का ऐड देखते हो तो उसे मैसेज करो। एक केस लगभग $10,000 तक इजिली बिक जाएगा, लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आपको एक अच्छा बायर मिल गया तो भाई 12,000 में नहीं बेच सकते हो। अगर बल्क में सेल करोगे तो ज्यादा फायदा है, क्योंकि लोग इंपेशेंट होते हैं ज्यादा से ज्यादा केसेस खोलने के लिए एंड कभी कभी हायर प्राइसेस पे भी खरीद लेते हैं। अब इन्वेस्टमेंट्स एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको गेम में बस ऑनलाइन रहने के पैसे मिलते हैं। 2 तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। अब लॉन्ग टर्म में आप अपना कुछ पैसा देते हो एंड कुछ टाइम बाद आपको प्रॉफिट के साथ पैसा वापस मिलता है। आप देख ही सकते हो कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक 1 लाख दो एंड 100 घंटे बाद आपको मिल जाएगा 15,000 का प्रॉफिट। मेरे हिसाब से ये बेकार है, क्योंकि डे टाइम इन्वेस्टमेंट में आप इससे बहुत कम में इजिली 150 के भी कमा सकते हो। जी हाँ, अगर आप रोज 8 घंटे ऑनलाइन रहते हो ना, तो आपको मुफ्त के 1.5 लाख डॉलर्स मिल जाया करेंगे। लेकिन भला इतना टाइम किस पे है, मेरा तो खैर काम ही है इसलिए मैं तो ऑनलाइन रहता हूँ। और पूरे टाइम भी नहीं, बस हर 10 मिनट में आकर अपने करेक्टर को मूव करा देता हूँ या कुछ छोटा मोटा काम कर लेता हूँ। इतना करना तो लीगल है, बट अगर आप NTAFK करते हो, मतलब कि कोई ट्रिक्स यूज कर रहे हो, जैसे कि W की के ऊपर कोई वेट रख दिया या फिर करेक्टर को किसी तरह घुमाया जा रहे हो, बस घुमाया जा रहे हो ताकि वो स्लीप मोड में आए, तो भाई वो इलीगल होता है एंड आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। इसलिए NTAFK कभी मत करना। और मैं तो कहता हूँ सिंपल, आप ये देखो कि रोज कितना टाइम ऑनलाइन रह सकते हो, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, जितने घंटे आप चाहते हो ना उसकी इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाएगी। 1 घंटे से लेकर 8 घंटे के ऑप्शंस हैं। अगर सपोज 5 घंटे की इन्वेस्टमेंट ऑन करी है और सिर्फ 4.5 घंटे ही खेल पाए हो ना उस दिन, तो भाई कुछ नहीं मिलेगा। और अगर बीच में इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चेंज किया तो टाइमर भी रीसेट हो जाता है, जिसे आप स्क्रीन के बॉटम में देख सकते हो। बाकी हाँ, सर्वर का एक दिन रोज इंडियन टाइम के 8:30 AM पे रीसेट हो जाता है, तो उससे पहले इन्वेस्टमेंट कंप्लीट जरूर कर लेना। किसी दिन अगर आप 4 घंटे से ज्यादा खेलते हो तो बस एक काम जरूर करना, कैसीनो जाओ, वहां जाके व्हील होगा उसे फ्री में स्पिन कर सकते हो आप, जिसके बाद आपको कुछ चिप्स मिलेंगे, यूजुअली 100 से 150 चिप्स के आसपास मिलते हैं एंड एक चिप आप $90 में सेल कर सकते हो। तो काउंटर पे जाके चिप्स सेल करो एंड इजीली आपको 10-15,000 डॉलर्स मिल जाएंगे। बाकी व्हील स्पिन करके और भी आइटम्स मिल सकती हैं, जैसे कि कार या फिर कुछ और, पर वो तभी मिलती हैं जब आप ढेरों चिप्स खरीदो एंड फिर उससे स्पिन करो। मुफ्त में तो बस 100 के करीब चिप्स ही मिलेंगे। बाकी कार का मैं बता दूं कि ये कोई काम की चीज नहीं है, आई मीन ये वाली कार कोई खरीदना नहीं चाहता सर्वर पे, बहुत इश्यूज हैं तो फायदा नहीं है इसे लेने का। आप सिंपल अगर किसी दिन 4 घंटे खेल चुके हो ना, तो अपना व्हील स्पिन करो और प्रॉफिट उठा लो, मुफ्त के 10-12,000 कमा लोगे, पर हाँ ये दिन में एक बार ही हो सकता है। रीसेलिंग एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है जिससे लोग पैसे कमाते हैं, एंड पर्टिकुलरली मैं सीड्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सीड्स बहुत वैल्यूएबल हैं सर्वर पे। मेरे अकॉर्डिंग वो मोस्ट ट्रेडेड आइटम्स हो सकते हैं, क्योंकि प्लांटेशंस, काउशेड बहुत जगह यूज होते हैं वो। अब आपको ऐसे सेलर्स मिल जाएंगे इजीली जिन्हें बहुत जल्दी में पैसे चाहिए एंड इसलिए वो सस्ते में बेचने को भी तैयार हो जाएंगे। 1500 से लेकर 1700 में आपको सीड्स मिल जाएंगे, बस थोड़ा पेशेंस रखो एंड अगर कोई सेलिंग सीड्स वाला एड दिखे तो खरीद लो सस्ते में। जब बहुत सारे कलेक्ट कर लोगे, लाइक 100, 200 या 500, तो उन्हें आप 1900 से 2000 में भी जाके बेच सकते हो, जिसके लिए एड्स डालो स्टार्टिंग में, तो या नजर रखो कि कोई ऐसा बायर मिल जाए जो महंगे में खरीदने के लिए राजी हो, जब मिले तो उसे सीड्स बेचो प्रॉफिट में एंड इवन उसका कॉन्टैक्ट भी सेव कर लो, सो दैट वो आपका एक फिक्स्ड बायर बन जाए एंड हर वीक या फिर हर 15 दिन में आप उसे सीड सेल कर सकते हो। अब आप सोचो कि भाई वो महंगे में क्यों खरीद रहा है, तो देखो इसका रीजन ये है कि यूजुअली ये लोग बहुत अमीर होते हैं, मतलब इन पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं जो GC से क्रेट्स खोलते रहते हैं, इन पे बिजनेसेस भी बहुत होते हैं, तो इनको बस अपना टाइम बचाना है, जिसके लिए बल्क में खरीदना पसंद करते हैं, चाहे वो महंगे पे ही क्यों ना मिल रहे हो थोड़े से। अब हर कोई रीसेलिंग का काम नहीं कर पाता, क्योंकि आपको चाहिए पेशेंस एंड एक्स्ट्रा मनी, मतलब सस्ते में कोई बेचने वाला मिल जाए फिर महंगे में कोई खरीदने वाला भी मिल जाए, इसमें बहुत टाइम लगता है, और आपके पास एक्स्ट्रा कैश भी होना चाहिए ताकि आप बल्क में सीड्स खरीद कर रख सको। एंड अगर आपकी सीड्स जो है वो एक ही जगह 2 हफ्तों तक सेल नहीं हो पाते, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, बढ़िया तरीका तो ये है कि आप एक
फिक्स अमाउंट सेट कर लो कि भाई मैं इतने पैसों के ही सीट्स खरीदूंगा एंड उसके अलावा कितने चाहिए आपको सर्वाइवल के लिए। अब पैसे कितने कमा लोगे एग्जांपल लेके बताता हूँ। तो सपोज करो कि आपने ऑन एवरेज 1700 में एक सीट खरीदा एंड आपके पास 1000 सीट्स हैं, तो आप उन्हें 2000 में बेच के इजिली 300 पर सीट या फिर टोटल 300 के कमा लोगे, यानी कि 300,000 डॉलर्स। बट हाँ, इसके लिए आपके पास 1.7 मिलियन डॉलर्स का एक्स्ट्रा कैश भी होना चाहिए। बाकी बाइक जैसी कोई चीप व्हीकल यूज करना है, आपको ट्रैवल बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब बायर्स के पास सेलर के पास जाना पड़ेगा बार बार। यूजुअली जो सेलर्स होते हैं सस्ते सीट्स वाले, वो फार्म में जाके मिलते हैं, वो पता ही सिटी से बहुत दूर है। अब वो इतने चीप पे बेचने की हर कोई उनसे खरीदना चाहता है एंड जो पहले आएगा उसे बेच देंगे, तो आपको थोड़ा सा तेजी दिखानी पड़ेगी। अब लास्ट तरीका पैसा कमाने का उनके लिए है जिनके पास कोई घर या फिर अपार्टमेंट है। नहीं, मैं रीसेल की बात नहीं कर रहा, वो किसी अलग वीडियो में बताऊंगा। पर अगर आपके पास घर है एंड ज्यादा यूज नहीं करते हो तो उसे रेंट पे भी दे सकते हो रियल एस्टेट एजेंसी में। वहाँ ऑलरेडी बहुत हाउसेज हैं, उनको देखो कि कितने प्राइसेस पे रेंट पे डाल रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप भी डाल दो। मैक्सिमम 7 डेज के लिए रेंट पे दे सकते हो एंड जो भी प्राइस डालोगे उसका 10% स्टेट को जाएगा। तो सपोज करो कि अगर मैंने 150K पे कोई घर रेंट पे दिया तो उसका 15K तो स्टेट रख लेगी अगर वो घर कोई रेंट पे लेता है। दो तीन बातों का ध्यान रखना बस, जैसे कि जितने दिन के लिए आप रेंट पे दे रहे हो ना, उससे ज्यादा दिन के लिए आपने पे किया होना चाहिए, देन आप उस घर को यूज नहीं कर पाओगे। सो आपके पास कोई और तरीका होना चाहिए अपनी कार्स वगैरह स्पॉन करने का। एंड मेरे एक्सपीरियंस में गार्डन वाले हाउसेस ज्यादा इजीली रेंट पे जाते हैं क्योंकि लोग वहां पर गार्डनिंग ट्राई करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये कंप्लीटली पैसिव तरीका है पैसा कमाने का, बस एक बार लिस्ट कर दो एंड फिर तो ऑनलाइन रहने की भी जरूरत नहीं है। अब अगर आप बताए गए 5 तरीकों में से सिर्फ 3 तरीके भी फॉलो करते हो ना, जो कि डेली इन्वेस्टमेंट, रोज के 2 मैक्लेरन केसेस बेचना एंड एक बार व्हील स्पिन करना, तो बेस्ट केस सिनेरियो में आप 180K to 190K भी कमा सकते हो। और अगर आप 5 तरीकों को अच्छे से फॉलो करो ना, तो एक हफ्ते में आप 1 से 1.5 मिलियन डॉलर्स बहुत प्यार से कमा लोगे बिना कोई जॉब करे। बस चैलेंज वही है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम ऑनलाइन रहना पड़ेगा। बाकी मैं आने वाली वीडियोस में बताता रहूंगा कि कौन सी जॉब बेस्ट है, कौन सी कार बेस्ट है। और बाकी मैंने बंकर के ऊपर भी एक वीडियो बनाई, अगर वो नहीं देखी है तो वो जाके देखो। एंड अगर अभी तक आपने ग्रैंड आरपी खेलना स्टार्ट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाओ, फ्री में रजिस्टर करो एंड खेलना स्टार्ट करो। सर्वर 2 में आना जरूर।